हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। आपकी क्लास बेटा बीए फर्स्ट ईयर सैम फर्स्ट है आपका। मैंने आपको व्हाट इज़ लिटरेचर, वैल्यू ऑफ लिटरेचर के क्वेश्चंस जो है मैंने प्रोवाइड कर दिए थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गया होगा। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लिंग्विस्टिक एंड सोसाइटी, सॉरी लिटरेचर एंड सोसाइटी। लिंग्विस्टिक नहीं है, लिटरेचर है, लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो लिटरेचर का सोसाइटी से क्या लिंक है? हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर क्या होता है। उसमें हमने लिटरेचर को बताया था कि लिटरेचर जो होता है एक लाइफ का मिरर होता है, ठीक है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वो रिटन में जब हम लिखते हैं तो वो लिटरेचर बन जाता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि लिटरेचर का सोसाइटी से क्या लिंक है। अगर हम देखें तो सोसाइटी से ही निकल के लिटरेचर आता है। एक आदमी सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस जब करता है तो उसका लिंक जो होता है लिटरेचर का, वो सोसाइटी से ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। लिटरेचर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर क्या है? सोसाइटी का ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें सोसाइटी को ही एक्सप्लेन किया जाता है। अ लिटरेचर वर्क इज़ अ पिक्चर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज इन विच इट इज़ रिटन। लिटरेरी जो वर्क है वो एक पिक्चर है स्पिरिट ऑफ एज की, जिसको लिखा जाता है। लिटरेचर इज़ रियली द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर है जो सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें सोसाइटी से ही जो चीज़ें हैं उनको लेना होता है। मैन मोटिव मूवमेंट एंड मैन्यू मेकअप अ राइटर। एक मैन है, मूवमेंट है, ये कौन एक कौन मेकअप करता है इनको? राइटर मेकअप करता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। हम इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। द मैन मीन्स द राइटर इज़ यूनिक। मैन का मतलब एक राइटर जो कि यूनिक है। ही बिलोंग्स टू सम फैमिली। वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है, किसी कंट्री से या किसी रिलीजन से। दीज पर्सनल फैक्टर्स विल हैव एन इफेक्ट ऑन वट ही थिंग्स एंड राइट्स। ये सभी पर्सनल फैक्टर, मतलब उसकी फैमिली, उसकी कंट्री, उसका रिलीजन, ये इफेक्ट करते हैं कि वो क्या सोचता है और क्या लिखता है। क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रहेगा, जिस फैमिली में रहेगा, जिस कंट्री में रहेगा, जिस रिलीजन के बीच में रहेगा, उनके बारे में ही वो लिखेगा। द इंग्लिश आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल है। सो एन इंग्लिश ऑथर विल शो दिस क्वालिटी इन वट ही राइट्स। तो वो इंग्लिश का जो एक राइटर होता है वो अपनी इस क्वालिटी को अपनी राइटिंग में शो करता है। द फ्रेंच ऑन द अदर हैंड आर मोर रेशनल एंड देयरफॉर दे राइट बेटर प्रोज। एक फ्रेंच है जो वो ज़्यादा रेशनल होते हैं और उनका राइटिंग प्रोस है जो वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। द सेकेंड एलिमेंट विच गोज इन टू द मेकिंग ऑफ अ राइटर इज द मूवमेंट। सेकेंड, फर्स्ट हमने पढ़ा मैन, सेकेंड है मूवमेंट। इट मीन्स दैट द लिटरेचर डिपेंड ऑन द टाइम व्हेन इट इज़ रिटन। लिटरेचर टाइम पे डिपेंड करती है। अब 14th सेंचुरी का लिटरेचर उठा लो, वो उस टाइम में बताएगा कि उस टाइम क्या हो रहा था। राजे लड़ रहे थे, ठीक है, किंग लड़ रहे थे आपस में, क्वीन बन गई थी, वो कैसे सोसाइटी को चला रही थी। आज का हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग कैसे हैं, टेक्नोलॉजी है। तो मूवमेंट का मतलब है जिस टाइम में लिटरेचर लिखा जाता है। द क्लासिकल पोइट्स लाइक, जैसे क्लासिकल पोइट है जैसे कि पोप है, लिव्ड इन अ पीरियड विच रीज़न वॉज पावरफुल। पोप के टाइम में क्या टाइम चल रहा था? रीज़न का, तो उसमें रीज़न पॉपुलर था। बट देयर पोइट्री इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्राम प्रोस, पर उसकी पोइट्री प्रोस से अलग नहीं थी। दस द नेचर ऑफ द एज हैज़ ब्रिंगिंग ऑन द राइटर। इसीलिए जो नेचर होती है एज की, वो राइटर की में आ जाती है, बियरिंग ऑन द राइटर। द थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द मेकिंग ऑफ एन ऑथर इज अ मिल्यू। मिल्यू, अ पोइट लिविंग इन अ सिटी विल राइट वन टाइप ऑफ पोइट्री। पोइट एक सिटी में रहता है और एक तरह की पोइट्री लिखता है। वेयर एज अ पोइट लिविंग इन द विलेज, जब वो गाँव में रहेगा तो वो वहाँ से डिफरेंट पोइट्री लिखेगा। दिस विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज देयर मैन्यूल इज डिफरेंट। मैन्यूल मतलब प्लेस, ठीक है, जहाँ पे भी रह के लिखेगा। शहर में रह रहा है तो शहर के बारे में लिखेगा, विलेज में रह रहा है तो विलेज के बारे में लिखेगा, इस तरह से। सोसाइटी एज वी नो इज़ अ वास्ट टर्म। सोसाइटी बहुत बड़ी टर्म है, इसको डिफाइन करते करते बरसों लग जाते हैं। इट इज़ सोसाइटी दैट गिव्स बर्थ टू सोशल वैल्यू। सोसाइटी में ही सोशल वैल्यू का जन्म होता है। व्हेन वी एवेल्यूएट अ राइटर, जब हम एक राइटर को एवेल्यूएट करते हैं, जज करते हैं, वी शुड नो अबाउट हिज फैमिली।
तो हमें उसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए राइटर के बारे में, कि राइटर की फैमिली कौन सी है, उसका सरकमस्टांसेस कहता है, कैसे माहौल में वो रहता है, हिज सोशल बैकग्राउंड कैसा है। मोस्ट ऑफ द राइटर्स बिलोंग टू द मिडिल क्लास, बहुत सारे राइटर मिडिल क्लास से रहते हैं, मिल्टन, पॉप, कीट, ब्रॉनिंग आर ऑल मिडिल क्लास पीपल। ये सारे पॉइंट्स कौन से थे, मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास राइटर डिपेंड ऑन सोसाइटी, जो मिडिल क्लास होते हैं वो ना तो अपर क्लास के मैच के हो सकते हैं या ना लोअर क्लास को अपने मैच के कर सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं, डिपेंड होते हैं सोसाइटी पे। सो अ राइटर कैन नॉट गो अगेंस्ट सोसाइटी, तो राइटर है जो वो सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता, अगेंस्ट नहीं जा सकता। फ्रॉम चौसर वी लर्न अबाउट द मैनर ऑफ दैट एज, चौसर से हमने मैनर सीखी। हेजल्ट इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी। हेजल्ट जो है एक रोमांटिक एज का एक जो है प्ले राइटर है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है वो, तो वो उसने लिटरेचर और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को उसको पता है। इवन बेन जॉनसन कुड नॉट रिमेन कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, बेन जॉनसन भी सोसाइटी से कट ऑफ नहीं होता। ग्रेट राइटर बिलोंग टू देयर एज एंड टू ऑल द एजेस आर शेक्सपियर बिलोंग टू ऑल द एजेस। चाहे कोई भी राइटर हो, ग्रेट राइटर है, शेक्सपियर है, वो सभी अपनी एज मतलब अपने पीरियड अपने टाइम के साथ बिलोंग करते हैं। लिटरेचर सेज अर्नॉल्ड, अर्नॉल्ड कहता है कि लिटरेचर इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लिटरेचर क्या है, लाइफ का एक क्रिटिसिज्म है, लाइफ के बारे में लिटरेचर में बताया जाता है। वी फाइंड इन ग्रेट लिटरेचर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल लाइफ, हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लिटरेचर हैं जो वो लाइफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं एज द ऑथर सीड, जैसे कि ऑथर ने देखा उसने वैसा ही लिख दिया। इट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ द हाइएस्ट काइंड ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, इट इज़ क्रिटिसिज्म highest kind of contemporary society, आ contemporary मतलब आज के time की society में criticism बहुत ज़्यादा है। wherein we find ourselves led by the hurt deserted the mind dissolved and dynasty revealed and highlighted in all details, तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बताते हैं। सोसाइटी इज़ गवर्न बाई डिफरेंट फोर्सेज, सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें गवर्न करती हैं, कौन कौन सी, इकोनॉमिक्स है, पोलिटिकल है, एथिकल है, मॉरल है, ये सब कहाँ से आते हैं, सोसाइटी में से आते हैं। दीज फोर्सेज एंटर लिटरेचर, ये सभी चीज़ें किस में होती हैं, लिटरेचर में। द एज ऑफ एलिजाबेथ वॉज द एज ऑफ ड्रामा, एज एलिजाबेथ के टाइम में ड्रामा लिखे जाते थे। 18th सेंचुरी में स्टायर और प्रोस है जो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। स्पेंसर इज़ द पॉइट्स पॉइट, स्पेंसर को पॉइट का पॉइट माना जाता है। डन है जो राइट्स इन द मेटाफिजिकल स्ट्रेन, वो मेटाफिजिकल लिखता है। मेल्टन है चाइल्ड ऑफ रेनेसांस बोला जाता है उसको, चाइल्ड एंड रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। ड्राइडन स्टायर इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इज, ड्राइडन को स्टायर के नाम से जाना जाता है। पॉप राइट्स पोइट्री, पॉप पोइट्री लिखता था दैट फुली रिफ्लेक्ट हिज एज, जो उसकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती थी, बताती थी, शो करती थी। द सेम इज़ द केस विद वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड टेनिसन, यही सब केस हैं जो मतलब ये सब राइटर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोसाइटी को। इन प्रोस ऑल्सो स्टोरी इज़ द सेम, प्रोस में भी स्टोरी सेम होती है। प्रोस में हम नॉवल्स वगैरह आ जाते हैं हमारे, है ना, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, प्लेज आ जाते हैं, उसमें भी सोसाइटी ही बताई है। बैकन्स द प्रो इज फुल ऑफ लर्निंग, बैकन्स के जो प्ले प्रोस थे वो लर्निंग पे बेस्ड थे, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द एज ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो लर्निंग की एज में बिलोंग करते थे। द प्रोस ऑफ ड्राइडन इज नीट एंड लॉजिकल, ड्राइडन के जो प्रोस थे वो बहुत ही नीट और लॉजिकल थे। स्विफ्ट, फील्डिंग एंड एडिसन राइट सिंपल प्रोस, इन्होंने सिंपल प्रोस लिखे। लैम एंड हेजल्ट राइट पोइटिक प्रोस, वो पोइटिक प्रोस लिखते थे। द प्रोस ऑफ रस्किन डिपिक्ट्स अ क्रिटिकल एटीट्यूड, रस्किन के जो प्रोस थे वो क्रिटिकल एटीट्यूड वाले थे, मतलब वो हर किसी को जज करते थे। दस इवन इन प्रोस इट इज़ स्पिरिट ऑफ द एज दैट चेंजेस इट क्वालिटी, कहते कि प्रोस में टाइम के अकॉर्डिंग क्वालिटी चेंज होती है, टोन चेंज होती है और टेनोर चेंज होता है। नो जॉनर रिप्रेजेंट सोसाइटी सो ऑनेस्टली एज द नॉवल, कोई भी जॉनर सोसाइटी को इतना अच्छे से ईमानदारी से प्रेजेंट नहीं कर सकता जितना कि नॉवल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि नॉवल में फुली डिटेल होती है। नॉवल 500 पेज का, 1000 पेज का, 1500 पेजेस का होता है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती,
ठीक है, तो वो पूरी तरह हर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आप कभी नॉवल पढ़ते हो तो आप अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हो तो आपको लगता है ना कि हम नॉवल के बीच में जा रहे हैं, जो राइटर ने प्रेजेंट किया अपने रूम के बारे में प्रेजेंट करा तो आपको लगता है कि हाँ हम सच में ऐसे रूम में खड़े हैं। तो वो क्या है, एक सोसाइटी है जिसको अच्छे से, सोसाइटी को रिप्रेजेंट अच्छे से कौन कर सकता है, नॉवल कर सकता है। We find that Fielding and others give a faithful picture of the 18th century. We find हमने देखा कि Fielding या other जो राइटर थे उन्होंने 18th सेंचुरी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिपेक्ट किया है, शो किया है। जेन अस्टन है जो डिपिक्ट्स रूलर लाइफ इन ऑल डिटेल्स, उसने गांव की लाइफ को बताया है, लड़कियों के बारे में बताया है। डिकन्सन एंड थैकरे रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन एज में डिकन्सन बहुत मशहूर नाम है, जिसमें उसने बच्चों का जो हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके बारे में उसने डिटेल में बताया है। इसलिए लिटरेचर एंड सोसाइटी है जो इंटरवोवन है, इंटरलिंक्ड है विद ईच अदर, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लिटरेचर के बिना सोसाइटी के बिना लिटरेचर है जो वो नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट किया जाता है और लिटरेचर में कुछ नहीं होता। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, समझ लो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।